मैसूर से उसने टिकट ली है। कैसी वॉन्ट टू नो शी सीकर एंड तंत्र योगा सुन के उसको सी नोस के नहीं, ऐसा कोई मिस कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल ये विद्या बहुत प्राचीन विद्या है, काफ़ी जीव शंकर ने इस विद्या को दिया है और इस विद्या को हमें 135 जैसे कि 134 उसके टेक्निक है, तो यहाँ तो मैं इतनी नहीं बता सकता हूँ, बट कुछ कुछ मैं उसको आपको इसका टेस्ट करा सकता हूँ। बट आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए हम शिविर करते हैं, 3 दिन का है, तो उसमें काफ़ी हम टेक्निक उसमें सिखा दे, जो जैसा कृष्ण को अर्जुन ने बताया उसमें गीता बनी, तो विज्ञान भैरव तंत्र बना, नमस्ते वेलकम, विज्ञान भैरव तंत्र बना। इस शंकर को पार्वती ने जब जितने भी सवाल पूछे कि भी इतना जो आपके पास जो है उसमें क्या है, तो तभी शंकर ने बताया दिस आर ऑल साइंटिफिक टेक्निक है और इस टेक्निक कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है और अच्छी जीवन में पा सकते हैं। काफ़ी चीज इतनी शक्ति है कि आप एनिमल में देखते हैं, एनिमल के कहाँ डॉक्टर, हमने डॉक्टर बना दिए उसके, कोई एनिमल के डॉक्टर हैं नहीं है, खुद क्योर होते हैं। कुछ जो एनिमल की फीमेल रहती है उसको मेल डिलीवरी कराता है, आप सोचा है, मेरे पास अभी कल ही वीडियो आया है, कितनी मेहनत करके उसकी डिलीवरी कराता है, उसको बच्चे का जन्म भी, उसका बच्चा मर जाता है तो उसको भी वापस जिंदा करता है वो मेल एंड फीमेल मिलके। तो ये विद्या जो है तंत्र की, जो हम खुद अपने आप को क्योर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। मैं अपना भी एग्जाम्पल बताऊंगा, थोड़े थोड़े मेरे जीवन में ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं, ऐसा कि नहीं है कि इस विद्या को पाके मेरे जीवन में कुछ नहीं आता है, मेरे जीवन में भी वही खड़बड़ाहट आता है, पर फर्क इतना है कि उस वक्त मैं सीधा स्टेडी हो जाऊं चीज में, उसको एक ऐसा एक्सेप्ट कर लूं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है लाइक दैट वे। तो ऐसे इंसिडेंट आते हैं, जो बड़े बड़े इंसिडेंट आने की वजह से छोटे इंसिडेंट आ जाते हैं जिसमें से मैं मुक्त हो जाता हूं। तो एक अकार्मिक जीवन बनाने की मैं कोशिश करता हूं, जो जीवन में जो कर्म मेरे से बन भी सकते हैं या बन जाते हैं। तो पहले जो हमने एक्सरसाइज की जो आया है, आपको पता होगा कि 12 डायनेमिक वार्म अप है हमने कराया है, और जिसमें जो मैंने पहले वॉर्म जनरल वो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रीथ बैलेंसिंग ज़रूरी है, जिसके बाद में और एक्सरसाइज में आपको जाना चाहिए। तो जो डायनेमिक वार्म अप कराया है, तो पहला वार्म अप आपने जो पहले आप शो में आप आया, कोई कुछ याद होगा कि नहीं, हमने बॉडी टेपिंग किया था, पूरे बॉडी को पूरा हमने टेप किया था, बराबर। तो आप पूरी बॉडी को, पूरे नर्व सिस्टम को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बराबर। सेकंड हमने किया था, मेरे ख्याल से हमने फेशियल योगा, फेस के ऊपर, याद है, सब टंग की एक्सरसाइज की थी, फिर अलग अलग आई की एक्सरसाइज की थी, है? फिर बाद में हमने क्लैपिंग किया था। तो क्लैपिंग में मैं आपको बताया था कि इट्स नॉट सिंपल क्लैपिंग, इट इज लाइक दिस, ओके। आपको मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि आप भूल नहीं जावे, तो ये क्लैपिंग इतना जोर से होना चाहिए, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ आपकी हाथ की होगी, स्ट्रेंथ हाथ की बहुत जरूरी है, कभी भी गिर सकते हैं। मेरा ही केस हुआ अभी लास्ट वीक में, मुझे बचाया मेरे हाथ ने और ये 2 पाउंड गुटी ने, नहीं तो मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। बट मेरे पाँव जो है उसकी भी मैंने बताया था, पाँव में आपको ऑयल लगाने के लिए बताया था और नीचे की पानी के अंदर, बराबर, शुरू में, तो उसको भी आपको जीवन में एडोप करने, पाँव और हाथ आपके है तो आपकी जीवन लाइफ आगे बढ़ सकती है। और मैं चाहता हूँ जितने यहाँ जो मेम्बर आते हैं उसकी 83 ईयर्स की साइकिल में बनाना चाहता हूँ, मिनिमम 83 ईयर्स ओल्ड, फिर आप जितना आगे बढ़ रहे हैं वो आपके हाथ में है। तो यू मेक योर 83 ईयर्स साइकिल, ये जो बर्थ की साइकिल है, हमें जल्दी नहीं जाना है, जल्दी जाएंगे तो वापस वही चक्कर में फंसे रहेंगे। बहुत डिफिकल्ट है मानना कि नेक्स्ट बर्थ किसने देखा है, वेरी डिफिकल्ट
एंड मैं उस चीज़ में आपको उसको दिखा नहीं सकता हूँ, जो आप जिसमें जाएंगे ये विद्या में तो उसको भी आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट बर्थ है। तो अभी इस बर्थ की मैं बात करता हूँ कि आपके जो दो हाथ मजबूत रहे और आपके पांव मजबूत रहे, बस यही आपका जीवन आगे बढ़े। बाकी सब एक्सरसाइज मैं कराऊंगा जो आपकी हीलिंग प्रोसेस इंटरनल कैसे होगी लाइक दैट। अभी हम लोग डायनामिक आज भी बात करता हूँ कि डायनामिक वॉम में जो अभी आज की खास एक्चुअली एक्सरसाइज रहेगी एक खाली कान की रहेगी। कितने लोग ने कान की एक्सरसाइज की है ओनली दिस ईयर? किसने की है? किसी योगा टीचर ने बताई है? हाँ हाँ, एवरी पॉइंट किसी योगा टीचर ने बताया? बाहर का बस पूरा पॉइंट नहीं, कितना आपको बताऊंगा मैं उसके पिक्चर के साथ में कि कितने पॉइंट है आपके इस इधर एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढने में कितना किसी को पता है ना बंदा, पर कान में तो कितना छोटा है। और कान का क्यों करना जरूरी है कि ध्यान डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन। अभी आपका यहाँ जो कोई भी रिप्लाई आएगा स्पाइनल कोर्ड के थ्रू जाता है, पाँव का भी स्पाइनल कोर्ड के रिप्लाई भी वहाँ से जाता है, पर यहाँ की एक्सरसाइज मेन करेंगे तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन विद वेगास नर्व कनेक्टेड है, राइट देन है। इसमें वेगास नर्व कनेक्टेड नहीं है पाँव में और हाथ में, उसकी नर्व घूमती है पर वेगास डायरेक्ट नर्व कनेक्टेड नहीं है। तो वेगास नर्व सीधा ईयर से कनेक्टेड है, आपको वेगास नर्व का भी मैंने बताया था। एनी हाउ हम लोग अभी पहले चालू करते हैं सिंगिंग से, तीन गाना है बाय द टाइम और भी अदर दैट इज वन पार्ट। सेकंड जितनी भी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ उसकी बुक हमने एक सैंपल बनाई है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो बुक्स परचेस कर सकते हैं। इट इज़ कॉस्टिंग 350 रुपीज़ ओनली। तो आप उसमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या एडवांस दे सकते हैं या खाली फ़ोन नंबर देके इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आई कैन प्रिंट दैट मच क्वांटिटी ऑफ बुक सो नेक्स्ट टाइम यू कैन परचेस। तो उसमें सब एक्सरसाइज, तो आपको पढ़ के भी आपको तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ आई एम जस्ट ए मीडिया, मैं यहाँ पे एक मीडिया हूँ, मैं नई गुरु हूँ नई टीचर भी हूँ। आई एम जस्ट ए मीडिया जो आपको इस एनर्जी को जान पाए और उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो जितनी भी आपको मैं आई वेलकम, तो हम लोग पहले गाने से चालू कर, आई टॉक टू अदर थिंग अबाउट फर्दर मैटर ऑल्सो। Okay.
जग के रखवाले हो सारे, निर्वले को बले देने वाले, से गाना है जितना, क्योंकि ये थेरेपी है। जब आप गाते हैं तो सोच नहीं आती, मुझे मैं चाहता हूं इस 3 घंटे में आपको सोच आए ही नहीं, यही मैं आपको लेके जाना हूं इस पड़ाव पे। नो थॉट्स इज मेडिटेशन। तो ऐसा नहीं, सुनो सब मधुर ही लगेंगे, आप सब मधुर लगते, हमसे भी ज्यादा मधुर लगते। तो सुनना बीच बीच में, आप गाते हैं बीच में सुनना, आप सब मधुर लगते हैं। देखो सोच नहीं सकते, तो मैं चाहता हूँ सब जोर से गाए, इतना जोर से कि जितनी आप में ताकत है। ऐसा नहीं धीरे, बाजू वाला नहीं गाता है तो आप गाएंगे, आप गाएं तो बाजू वाला भी गाना चालू कर देगा। तो मैं चाहता हूँ जोर से गाए, दूसरा गाना लेके आते हैं। ये नयन डरे डरे, कितने लोग को आता है, ये जान भरे भरे, जरा शुरू कर सकते आप क्या? एक मुखड़ा गाइए और आपने नहीं सुना हेमंत कुमार का गाना है, आप यंग है इसलिए, ये जुना मेरे जैसे एज वाले का गाना है, फिर भी गाएंगे। ये नयन धरे धरे, ये जाम भरे भरे, जरा किसी को खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे,
ये मंत्रा में नहीं गा रहा हूँ, आपको गाना है और बराबर यूनिफॉर्मली गाना है, ध्यान रखो। क्या बात है, क्या बात, बढ़िया गाना आप गा रहे हैं अच्छी तरह से। चल एक हम ड्यूएट लेके आ रहे हैं, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। अभी हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हो तो सामने मिलके सामने सामने गा सकते, नहीं गा सकते। साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। तू दिल भी
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग दिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।